फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, बीएड, डीएड या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में 30 नंबर से दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को मिस करने की तो बिल्कुल भूल ना करें। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे दोस्तों। और बाल विकास दोस्तों आपके सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, इसलिए दोस्तों वीडियो को प्रतिदिन शाम 7 बजे जरूर क्लास को ज्वाइन करें। यह हमारा 30 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है दोस्तों, एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा आज का बाल विकास का दोस्तों पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है दोस्तों, बताइए। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को या फिर बी में है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य को, या फिर सी में है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर दोस्तों डी में है कक्षा में एकदम खामोशी को। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका ब्लैंक जगह पे इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। हमारा ब्लैंक की जगह पे क्या होगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का क्या माना जाता है दोस्तों, तो संकेतक माना जाता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड है दोस्तों, बताइए सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, या फिर कृत्रिम प्रेरक है, डी में है अर्जित प्रेरक है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कि पुरस्कार एवं दंड क्या है दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा पुरस्कार एवं दंड दोस्तों कृत्रिम प्रेरक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको कोई भी प्रश्न का दोस्तों आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें दोस्तों, और कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है दोस्तों, बताइए। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, डी में है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या फिर सी में है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या फिर डी में है वे हमेशा सफल होते हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दोस्तों आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वे हमेशा सफल होते हैं, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कि वे हमेशा सफल होते हैं कि विशेषता, ध्यान दीजिएगा आंतरिक रूप से क्या दोस्तों अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं दोस्तों। यह कथन ही हमारा क्या है तो गलत है, यह कथन हमारा क्या है दोस्तों सही नहीं है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप दोस्तों बताइए क्या करेंगे दोस्तों। यदि आप कोई भी प्रकार के दोस्तों शिक्षक हैं या किसी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते हैं दोस्तों, तो आप क्या करेंगे बताइए, बच्चों की उपेक्षा करेंगे, या फिर अभिभावक को लिखेंगे, सी में आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर डी में है बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। तो बताइए दोस्तों इनमें से आप क्या करेंगे, बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे होगा ठीक है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे होगा ठीक है। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द, कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए
कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, बताइए दोस्तों। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आप दोस्तों स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों, ताकि ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके नजरों से छूटे ना दोस्तों, और आप अपने एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिक्योर कर सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए दोस्तों, बताइए। जब शिक्षक की जब शिक्षक फुर्सत में हो तब, या फिर बी में है, ध्यान दीजिएगा, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब, या फिर सी में है, कुछ समय के पश्चात, या फिर दोस्तों डी में है, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तब। तो बताइए इनमें से हमारा इसका क्या आंसर होगा, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा इनमें से इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तब, हमारा डी ऑप्शन इनमें से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है दोस्तों, बताइए। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी में है, ध्यान दीजिएगा, नील मेघ निकालना बंद करना, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है दोस्तों, बताइए। तीन में से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मित्रों के द्वारा उपहास, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है दोस्तों, बताइए। अभिप्रेरणा की व्याख्या दोस्तों जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन दोस्तों बताइए किसने कहा है। ए में है मैकडूगल ने, बी में है कर्ट लेविन ने, सी में है फ्रॉइड ने, डी में है स्किनर ने। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल ने, किसने कहा है दोस्तों, तो मैकडूगल हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है, हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है दोस्तों, बताइए, भूख, प्यास, आदत, या फिर नींद। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है दोस्तों, तो आदत हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बाकी भूख, प्यास, नींद है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी .. रूप से अभिप्रेरित है दोस्तों, बताइए यह विद्यार्थी क्या किस रूप से दोस्तों अभिप्रेरित है, व्यक्तिगत रूप से, अनुभाविक रूप से, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा अनुभाविक रूप से, या फिर डी सी में है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, डी में है बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। तो बताइए ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से इसका आंसर क्या होगा, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए दोस्तों कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों, बताइए। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, या फिर दोस्तों बी में है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, सी में है ध्यान दीजिएगा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, डी में है असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा दोस्तों, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति है, हमारा क्या होगा दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है दोस्तों, बताइए। बालक की व्यक्तित्व
का आदर या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, बी में है पुरस्कार एवं दंड, सी में है प्रशंसा एवं ध्यान दीजिएगा भत्सरना, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है दोस्तों बताइए। तो ध्यान दीजिएगा बालक की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा बालक की व्यक्तिकता का आदर, ये भी हमारा सही है। पुरस्कार एवं दंड ये भी हमारा सही है दोस्तों। प्रशंसा एवं भत्सरना ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ए बी सी हमारा तीनों क्या है सही है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से है दोस्तों बताइए। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए इनमें से क्या होगा अभिप्रेरणा के, ध्यान दीजिएगा अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से है, आवश्यकता, चालक, प्रेरक या इच्छा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा प्रेरक हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अभिप्रेरणा के स्रोत दोस्तों क्या है, तो प्रेरक है हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों बताइए, क्या कहा जाता है। मैस्लो जो वैज्ञानिक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मैस्लो वैज्ञानिक है जो, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को दोस्तों क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों। आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है उसे, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा शारीरिक सिद्धांत कहा जाता है, या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, या फिर डी में है अंतर्नोद का सिद्धांत। दोस्तों एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि अभिप्रेरणा सिद्धांत को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों, आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है दोस्तों बताइए, क्या कहलाता है अभिप्रेरणा। बी में है ध्यान दीजिएगा अध्यवसाय, या फिर दोस्तों सी में है संवेग, डी में है वचनबद्धता। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है दोस्तों बताइए, पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरणा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, आवश्यकता को दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है डॉट 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 प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है दोस्तों बताइए, हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा। ए में है प्रभावी प्रेरणाएं, बी में है भावात्मक प्रेरणाएं, सी में है संरक्षण उन्मुखी, या फिर दोस्तों डी में है सुरक्षा उन्मुखी। तो बताइए दोस्तों ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को दोस्तों क्या करती है, तो संबोधित करती है, हमारा बी ऑप्शन ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा दोस्तों, तो बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रश्न की ओर, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, बी में है अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, या फिर सी में है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, या फिर डी में है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, सीखने के लिए आकलन क्या है दोस्तों बताइए, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। सीखने के लिए आकलन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, ग्रेड्स एवं अंकों के लिए, बी में है जांच परीक्षण के लिए, सी में है प्रेरणा के लिए, डी में है दोस्तों पृथककरण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणा के लिए दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम में आकलन दोस्तों प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों, और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल को दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहुंच सके, ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास जाता रहे और आप क्लास डेली शाम 7 बजे ज्वाइन कर सके। तो हमारा अगला प्रश्न है ।। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है दोस्तों, बताइए शिक्षण सहानुभूति समदृष्टि या प्रेरणा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। ।। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैंक्स की जगह पे डी ऑप्शन प्रेरणा। प्रेरणा ही है दोस्तों, प्रेरणा। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है दोस्तों, क्या है प्रेरणा। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या है दोस्तों, तो कला है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों, बताइए किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वॉटसन द्वारा या फिर मैस्लो द्वारा, कोहलर द्वारा या पावलोव द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है दोस्तों, बताइए भूख पुरस्कार रुचि या विश्राम। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए निम्न में से कौन सा उदाहरण है जो दोस्तों अर्जित प्रेरक का है, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा रुचि दोस्तों, हमारा क्या होगा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा रुचि। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है दोस्तों, बताइए ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, बी में है भावात्मक जागृति द्वारा, सी में है ए और बी दोनों सही है, या फिर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अभिप्रेरणा वर्णित होती है दोस्तों, क्या होगा हमारा इसका आंसर, अभिप्रेरणा वर्णित होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, हमारा इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक जागृति द्वारा, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्न में कौन शेष से भिन्न है दोस्तों, बताइए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी में है समान अवयवों का सिद्धांत, सी में है ध्यान दीजिएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है सामान्यकरण का सिद्धांत। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, निम्न में कौन शेष से भिन्न है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, कहने का मतलब है दोस्तों कौन है जो चारों में से दोस्तों अलग है, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है, यह हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि निम्न में कौन शेष से भिन्न है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका चारों में से जो भिन्न है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों, बताइए, ए में है विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, या फिर दोस्तों बी में है स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना, सी में है जन्मदिन पर पोशाक मिलना, डी में है सभी विकल्प सही है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों? तो बी ऑप्शन, स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? बताइए, मैस्लो द्वारा, हर्जबर्ग द्वारा, या फिर दोस्तों यहाँ पे हर्टबर्ग होगा, ठीक है, हर्टबर्ग द्वारा, या फिर दोस्तों विक्टर ब्रून द्वारा, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है स्किनर द्वारा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन की ओर, सी ऑप्शन, विक्टर ब्रून द्वारा किया गया है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? बताइए, दल शिक्षण कहलाती है, या फिर अभिक्रामित अनुदेशन सहयोगी अधिगम कहलाता है, या फिर दोस्तों अन्वेषण अधिगम। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सहयोगी अधिगम कहलाती है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ए में है अब्राहम मैस्लो, बी में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैकडूगल, सी में है विलियम जेम्स, या फिर सिम्पसन। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों। कि अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक यानी जन्मदाता कौन थे दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा मैकडूगल थे, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम के अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है दोस्तों? बताइए, अधिगम के अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम यानी जारी रखा जा सकता है दोस्तों? बताइए, बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, सी में है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, डी में है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। अधिगम की प्रेरणा को दोस्तों किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम के अभिप्रेरणा को दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रावीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर कायम रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है दोस्तों? बताइए, ए में है ध्यान दीजिएगा दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा, गुण विषयक अभिप्रेरणा, सी में है ब्राह्म अभिप्रेरणा, डी में है स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा इसका आंसर हो जाएगा कि आंतरिक अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं दोस्तों? बताइए, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बी में उन्हें आत्म गौरव की अनुभूति कराना, सी में है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, डी में है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और दोस्तों आप प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों क्लास को ज्वाइन कर सके। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक न किए हो तो लाइक अवश्य किया कीजिए दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले।
कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।